मज़ा आया। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई चैनल फिर से आपको स्वागत है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। जी हाँ, मैं बता दूं कि अभी मैं हूँ कहाँ, तो झारखंड में हूँ। और झारखंड के किस शहर में, तो मधुपुर में। और अब आप जब भी अगर झारखंड के मधुपुर आते हैं किसी भी सिलसिले में, एग्जाम के सिलसिले में या किसी काम से, और आप यहाँ होटल खोज रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ आपका भाई कुछ होटल खोजा है और यहाँ का प्राइस भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं होटल से जुड़ी हुई कि यहाँ आपको सस्ती होटल बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, मधुपुर में स्टेशन के आसपास सोच रहे हैं कि अगर 100-150, 200-250 में सस्ती होटल मिल जाए तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम यहाँ 350 रुपया खर्च करना होगा। मिनिमम प्राइस 350 रुपया और एक सेपरेट रूम मिल जाएगा। कहीं भी पूरे मधुपुर में होटल वालों ने कहा कि भैया डोमेट्री नहीं मिलता है, और मैंने पता भी किया। दूसरी बात, स्टेशन के जस्ट सामने आपको कोई भी होटल नहीं मिलने वाला है। अप्रोक्स 200 मीटर, अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकल के 200 मीटर जाते हैं तब आपको एक चौक मिलेगा जिसे गांधी चौक कहते हैं। वहाँ पे एक होटल मुझे दिखा, बर्दवान होटल, जो कि मात्र वही एक होटल मुझे मधुपुर रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिला। हालांकि दूसरी छोर पे अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे बस नज़दीक में एक होटल है, लेकिन वहाँ की खासियत क्या है कि वहाँ आपको सस्ता होटल नहीं मिलने वाला है। वहाँ कम से कम 500 रुपये का एक रूम मिलेगा एक आदमी के लिए, और 600 रुपये में दो आदमी के लिए। तो सबसे सस्ता होटल आपको वहीं मिलेगा। स्टेशन से आप 200 मीटर आगे बढ़िए गांधी चौक पे, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा होटल जो कि मिनिमम प्राइस 350 रुपया है। उसके ऊपर 450 है, 500 है, 600 है, 800 है, 900 है, हर प्राइस का मिल जाएगा बर्दवान होटल में। अब मैं बता दूं, अगर जब खासकर अगर यहाँ आ रहे हैं ना मधुपुर, तो मधुपुर के जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने का आप रसगुल्ला खाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ जो रसगुल्ला आपको मिल जाएगा सिर्फ 5 रुपये में, वो 12 और 14 रुपये में भी कहीं नहीं मिलेगा, और टेस्ट भी बहुत ही ओरिजिनल। मैं खाता हूँ, मैं जब आता हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर खाता हूँ। यहाँ के खाने पीने की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती प्राइस है, खाने पीने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मधुपुर रेलवे स्टेशन के बाहर के होटल का जुड़ी हुई। तो इस तरीके का ब्लॉग मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। इसके बाद जो वो 516 जो होटल है, मैं उसका भी ब्लॉग लाऊंगा, आप उसे भी देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछिए। चलिए फिर हाजिर होते हैं खास ब्लॉग लेकर। अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।